दो दिनों से जिसकी इतनी चर्चाएं चल रही थी कि लार्ज कैप लार्ज कैप लार्ज कैप और सप्लाई इधर ही आ रही है मिड कैप में एक दो घंटे की सप्लाई जो आई थी उसके बाद वापस ऊपर आ गया हो क्या रहा है क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है देखो भले कितने लार्ज कैप सस्ते हो जाए और मिड कैप कितने महंगे हो जाए एंड ऑफ डे तेजी या मंदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज है जी पैसे पैसे अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसे जा रहे हैं वैल्यूशन महंगे हैं सस्ते हैं शेयर अच्छे हैं खराब है उस पर आप डिबेट कर सकते, कर सकते हो जितनी चाहे करो yes, करते रहो चार महीने पांच महीने से करो लाइफ लाईफाई बन रहे लेकिन पैसा वहां जा रहा है तेजी वही हो रही है yes. और लार्ज के बहुत सस्ते हो गए ये हो गया वो हो गया सब कुछ बढ़िया है सब ठीक है लेकिन सप्लाई वही है hmm. थोड़े बढ़ते हैं ऊपर से एफ आई बेचना आते हैं तो सप्लाई वही आ रही है तो आज भी सप्लाई है वहां पे तो नेचुरली दिख रहा है स्क्रीन पे अब ये रुक रुक के ही चलेंगे अनलेस अनटिल कि आपको एफ की तरफ से बड़े बैंक के फिगर्स आने लगे कैश मार्केट में एफ में आए थोड़े इसीलिए आप लाइफ आई पर आए एफ में थोड़ी सी खरीदारी की है थोड़ी शॉर्ट काटी है छियासठ परसेंट इंडेक्स लॉन्ग पहुंचे हैं इस वजह से आप यहां पर हैं लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब तक दोनों एफ और लोकल दोनों मिलके लाज के अपने खरीदेंगे लिक

विचार विमर्श होंगे लोगों के पास चर्चा का मुद्दा नहीं तो आप बात भी क्या करो रोज रोज रोज, रोज क्या बात करो अच्छा आज भी हाई बनाए हाँ आज आज पांचवा दिन हाई बनाए आज आठवा दिन है आज दिन है? है कर लो अब कितनी बात करके करोगे इसलिए है ना लाइक रोज ही बन रहे पांच महीनों से बन रहे सो आई थिंक कम से कम एक अच्छी चर्चा का विषय बना है सो hmm. आई so, लबो लुभाव यह है अल्टीमेटली जब तक आपको फ्लोज मजबूत आते नहीं दिखेंगे लार्ज कैप्स में तब तक रुक रुक कर चलेंगे घटेंगे hmm. नहीं ज्यादा right. रुक रुक कर चलेंगे, और जब तक फ्लोज में घटेंगे आपने ऑलरेडी वीकली एक्सपायरी के दिन में आपने, आपने बीस का हाई बना लिया है आपके लिए 20,000 हजार स्ट्रॉग सपोर्ट है मेरा ये समझना है कि अगर बचे हुए समय में 19,950-20,000 की रेंज में आता है तो निफ्टी डेफिनेटली है बाय ंड्रेड परसेंट बाय वहां मत डरना जहाँ डरना हुआ डरो जहाँ नहीं डरना है वहां मत डरो बैंक निफ्टी की सुबह अपनी बात हुई थी पैंतालीस आठ सौ एंट्री पॉइंट बनता है आजकल लो देख लीजिए दी पैतालीस हजार आठ सौ एक है बिल्कुल बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पर पाए अगर क्लोजिंग में थोड़ा और नीचे आता है तो बैंक निफ्टी पैंतालीस पांच सौ पचहत्तर से पैंतालीस छह सौ पचास ब्लाइंड बाय जोन है और पहला एंट्री पॉइंट हाई रिस्क के लिए पैंतालीस आठ सौ है और जिनको कम रिस्क में लेना है वो पैतालीस पाँच सौ पचहत्तर से छह सौ पचास पाँच सौ पच्चीस से छः सौ पचास की रेंज का इंतजार करें वहाँ आएगा तब ले लीजिएगा बैंक निफ्टी लाइफ हाई के नज़दीक पहुँचा है क्लोजिंग हाई आपका छियालीस एक है आज का हाई कितना है छियालीस एक लगभग उसके आसपास से घुमाए लाइफ हाई इंट्राडे का छियालीस थ्री सेवेंटी नाइन है तो आज सेल रेंज अपन ने वही दी थी छियालीस दो के आसपास जहां बेच पाए वहां से थोड़ा नीचे आया अब नीचे और थोड़ा और आने दो तो, एंट्री पॉइंट पे आने दो तो, नीचे में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लेने का है दोनों लेना है दोनों लेना है हाँ ऐसा नहीं हमारा प्यार सिर्फ मिड के स्मॉल के हमारा प्यार तो निफ्टी के लिए पुराना है थोड़ा आजकल ज़्यादा उधर है ठीक है ना तो so, निफ्टी बैंक निफ्टी भी सही लेवल पे लेना ही है कोई दिक्कत नहीं उन्नीस हजार नौ सौ पचास बीस हजार की रेंज में निफ्टी लेना है पैंतालीस पांच सौ पच्चीस पैंतालीस छह सौ पचास में बैंक निफ्टी लेना है आएगा तो ठीक नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं।